हसन अली यार माश आज मैं जीतना इंशाल्लाह। क्या फायदा खेलने का आपका, आप हमें वोकैबुलरी दे दो यार, कोई फायदा तो होगा नहीं। आप हमारे साथ खेलोगे फिर हारोगे फिर निराश। इंडिया वाले शायद भूल गए कि मैं कौन हूँ, आग से खेलने का अंजाम क्या होता है। मस्त जोक मारा ये राजू कोतरिया, ये बाबर बाबा, ये मैच तो पाकिस्तान ही जीतेगा बाबा, ऐसा कैसे हार गया बाबा। अगर इंडिया को हारने का है तो एक बाटली पी ले रे, मेरे बाटली दे जा। यार 10 विकेटों से मतलब को तबीयत होती है, इतना बुरा इतना बुरा। ये कोई क्लब की टीम नहीं है, ये कोई आगे पीछे की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की नेशनल टीम है। और दूसरा मुझे गुस्सा इस चीज का है कि आपने धमकी किस चीज की दी है हमें। पूरे इंडिया के दिल की आवाज दुबई तक सुनाई देनी चाहिए। मेरे अब्बू आए हैं, मेरे अब्बू आए हैं। हाँ भाजी, हरभजन सिंह वॉकओवर लेना है? नहीं लेना? अच्छा चलो, क्या कर सकते हैं, रिलैक्स यार, एंजॉय द डे एंड बर्दाश्त करो। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चली। ओ भाई मारो, मुझे मारो मारो। पहले तो मैं अपनी कौम तो 11 बैट जोड़ के माफी मांगदा, क्योंकि बेचारियों के दिल भी टूटे ते टीवी भी टूटे। ओ मैडम का जलवाली मुझे ना समझ मवाली। बट अगर रोहित शर्मा पहले 2-4 ओवर खेल जाते हैं तो ये 151 नहीं होता, ये 190 होता स्कोर की। क्रेडिट टू शाइन एंड पाकिस्तान टीम, उन्होंने जो प्लान किया उसको, प्लान तो देखिए सब करते हैं, सबको पता है कि अंदर आने वाली बॉल उनके पैड पे लग सकती है, बट वो पैड पे मारना एग्जीक्यूशन वॉज अ परफेक्ट परफेक्ट थिंग। और जिस पेस से वो बॉल अंदर है, वसीम अकरम की याद दिला दी उन्होंने। पाकिस्तान की यहो जी तबाहकुन बॉलिंग मैं जिंदगी च नहीं वेखी। मैनू तो इंज लगन दिया सी जिवें बॉर्डर ते गोलियां चलन डईयां ने। So much hopes I had on this cricket team, Indian cricket team. I thought that Virat Kohli will be the second.